हेलो एवरीवन, निशा ब्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं नमकीन सेवई बनाने जा रही हूँ जो बहुत ही फटाफट बन जाती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं गैस को ऑन करती हूँ, पैन को रखूंगी, इसमें मैं जो है थोड़ा सा देसी घी डालूंगी, एक चम्मच देसी। इसमें हम भूनने के लिए इनको तलते हैं क्योंकि हमारे पास रोस्टेड जो है सेवई नहीं है। थोड़ा सा इनको हम, ये मैंने एक छोटा सा बोल ली है, अब इसको हम भूनते हैं। इनको बहुत ज्यादा नहीं भूनेंगे, इनका थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए बस इतना ही भूनेंगे। बहुत फ्लेम को लो ही रखेंगे इसको भूनने में हम। ये स्नैक्स जो है बहुत जल्दी बन जाता है फटाफट। इसे लाइट गोल्डन ब्राउन करना है, ब्राउन हो गई है, अब हम उसको इसी जगह प्लेट में निकालते हैं। पैन में तेल डालूंगी थोड़ा सा, एक चम्मच, थोड़ा सा और डाल देती हूँ। इसमें जो है ये जो है मूंगफली के दाने हैं, इनको रोस्ट कर दूंगी, इनका कच्चापन हमें निकालना है। इस तरीके से इसको हम चलाते रहेंगे जिसमें ये जले नहीं। ये देखिए मूंगफली के दाने रोस्टेड हो गए हैं, अच्छी तरीके से मैंने कर लिए हैं। अब मैं जो है इसमें सरसों के दाने डालूंगी, ये प्याज को हम सौते करेंगे। हमें प्याज को बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, बस इसको इसका कलर बिल्कुल नहीं चेंज होना चाहिए, इसको थोड़ा सा बस हमें मुलायम करना है और इसका कच्चापन चला जाए। अब हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे, ये मैंने रेड शिमला मिर्च ली है और ये येलो ली है, आप ग्रीन भी ले सकते हैं। इसको जो है थोड़ा सा टेंडर होने देते हैं। ये बॉइल्ड कॉर्न है, इनको भी हम इसी जगह पे डालेंगे। देखिए फ्रेंड कलर कितना अच्छा आ रहा है नीचे सब्जियों का। इस स्टेज पर हम थोड़ा सा 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे जिसमें ये सारी वेजेस जो है अच्छी तरीके से गल जाएं। और ये लीड लगाते हैं, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। वेजेस गल जाने के बाद हम इसमें टमाटर और बाकी चीजों का यूज करें। इसमें हम ये टमाटर ऐड करेंगे, चला देते हैं। ये जब थोड़े से मुशी हो जाएंगे फिर बाकी के स्पाइसेस हम इसमें डालेंगे। इसको लगातार हम चलाते रहेंगे धीमी आंच में। आंच को आप चाहें तो कम ज्यादा कर सकते हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं गलाएंगे। ये टमाटर देखिए थोड़े से गल गए हैं, अब इसमें हम बाकी के मसाले डालते हैं। ये जो है हरी मिर्च और गार्लिक मैंने जो है इसको चॉप कर लिया है थोड़ा सा, तो इसको भी इसमें डालते हैं। ये मैगी मसाला मैं डाल रही हूँ, ये बच्चों को बहुत पसंद आता है इसके जो है इसका यूज कर रही हूँ मैं। ये 4 या 5 जो है काजू है, ये ऑप्शनल है, मैंने डाल दिए हैं, इससे जो है टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इस मसाले की देखिए खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, आप बनाइए उसमें जरूर डालिएगा ये। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप डालिए। थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च डालेंगे, ये इसमें जो है
इसको बनाते वक्त एक बात का ध्यान रखना है आपको कि इसमें तेल का बहुत कम यूज करना है, नहीं तो बहुत ज्यादा तेल जो है सेवियों में आ जाएगा। ये देखिए इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं, थोड़ा सा कलर आ जाएगा और हल्दी का थोड़ा टेस्ट भी आता है। अगर आप किसी चीज में यूज करते हैं तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तेल इसमें जो है बहुत कम डाल रहे हैं। अब इसमें हम सेमिया मिलाते हैं। ये देखिए ये देखिए मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी जो है मैं बहुत ही केयरफुली डालना है, इसमें पानी ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत स्टिकी बन जाएंगी जो खाने में बिल्कुल नहीं अच्छी लगेंगी। थोड़ा सा मोर डालते हैं। पानी को बहुत ऊपर तक लेके नहीं आना है, पानी नीचे ही रहना चाहिए, इसी के भाप में ये पक जाएंगे। इसको हम लिड लगाते हैं और 2 मिनट के लिए इसे पकने देते हैं। ये देखिए 90% जो है कुक हो गई है। अब मैं इसमें जो है ये मूंगफली के दाने और धनिया ऐड करूंगा। धनिया से खुशबू और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल खिली खिली बनी है। ये बच्चों के आप टिफिन में भी दे सकते हैं, जब आपको थोड़ी सी भूख लगे तब भी आप ये जो है बना सकते हैं। कभी कभी किचन में बहुत ज्यादा झंझट करने का मन नहीं करता है तो आप एक छोटी मोटी भूख के लिए ये बना सकते हैं सेमी। चलिए अब इनको हम जो है प्लेट आउट करते हैं। फ्लेम को बंद करते हैं। नमकीन सेवई बन के तैयार है। देखिए कितनी खिली खिली बनी हुई है और खुशबू भी इसमें बहुत अच्छी आ रही है। अब मैं इसमें थोड़ी सी भुजिया डाल देती हूँ ऊपर से, इस तरीके से थोड़ी सी टेस्ट के लिए ऐसे डाल दूंगी। इसमें आप लाइम जूस भी डाल सकते हैं, खाने का टेस्ट दुगना हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स नमकीन सेवई बनके तैयार है, कितनी अच्छी बनी है और कितनी खिली खिली बनी है। ये जो है आप सुबह के नाश्ते में भी बना सकते हैं और बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद होती है। आप कभी भी उनको बना के बच्चों को आप टिफिन में भी दे सकते हैं और बड़ों को जो है ऑफिस भी ले जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा कर लें और जो है छोटी मोटी भूख भी मिटा देगी। आप इसी तरीके से मेरे स्टाइल में बनाइए। आज लंच में मैंने जो है ये नमकीन सेवई बनाई है, मैंने सोचा आपके साथ जो है ये रेसिपी शेयर करती हूँ। आप इसी तरीके से बनाइए और अपने एक्सपीरियंस जो है हमारे साथ शेयर करिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ।